ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे इंद्रायन के आयुर्वेदिक प्रयोग। इंद्रायन क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। इंद्रायन एक लता होती है जो पूरे भारत के बलुई क्षेत्रों में पाया जाता है, ये खेतों में उगाई जाती है। इंद्रायन तीन प्रकार की होती है, पहली छोटी इंद्रायन, दूसरी बड़ी इंद्रायन और तीसरी लाल इंद्रायन। तीनों प्रकार के इंद्रायन में लगभग 50 से लेकर 100 फल आते हैं। यह दस्त लाने वाली कफ पीतनाशक तथा ये कामला मतलब पीलिया, तिल्ली, पेट के रोग, श्वास, खांसी, दमा, सफेद दाग, गैस, गांठ, व्रण, प्रमेह, वीर विकार, गंडमाला, गले में गिल्टी के जो हो रहे थे उसे गंडमाला कहते हैं, तथा विष को नष्ट करता है। ये गुण छोटी और बड़ी दोनों इंद्रायन में होते हैं। इंद्रायन की सेवन बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए क्योंकि इसकी ज्यादा और अकेले सेवन करने से पेट में मरोड़ पैदा होता है और शरीर में जहर के जैसे लक्षण पैदा होते हैं। अभी कौन कौन से रोगों में इसके उपचार होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इंद्रायन के बीजों का तेल, इंद्रायन के बीजों का तेल नारियल के तेल के साथ बराबर मात्रा में लेकर बालों पर लगाने से बाल काले हो जाते हैं। इंद्रायन की जड़ के 3 से 5 ग्राम चूर्ण को गाय के दांत सेवन करने से बाल काले हो जाते हैं, परंतु इसके परहेज में केवल दूध ही पीना चाहिए। सिर के बाल पूरी तरह से साफ करा के इंद्रायन के बीजों का तेल निकालकर लगाने से सिर में काले बाल उठते हैं। इंद्रायन के बीजों का तेल लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं। इंद्रायन के पके हुए फल को और उसके छिलके को तेल में उबालकर और छान कर पीने से बहरापन दूर हो जाता है। इसके पके हुए फल की धुनी दांतों में देने से दांत के कीड़े मर जाते हैं। इंद्रायन की जड़ के चूर्ण को नस नाक में डालने से दिन में 3 बार लेने से मिर्गी का जो रोग है अपस्मार वो रोग भी दूर हो जाता है। इंद्रायन के फल में छेद करके उसमें काली मिर्च भरकर छेद को बंद करके धूप में सूखने के लिए रखते हैं या गर्म राख में कुछ देर तक पड़ा रहने दें। फिर काली मिर्च के दानों को रोजाना शहद तथा पीपल के साथ 1 सप्ताह तक सेवन करने से खांसी के रोग में लाभ होता है। स्त्रियों के स्तन में अगर सूजन आ जाने पर इंद्रायन की जड़ को घिसकर लेप करने से लाभ होता है। इंद्रायन का मुरब्बा खाने से पेट के रोग दूर होते हैं। इंद्रायन के फल में काला नमक और अजवाइन भरकर धूप में सुखा लें। इस अजवाइन के गर्म पानी के साथ फंकी लेने से दस्त के समय होने वाला जो दर्द है वो दूर हो जाता है। विसूचिका मतलब हैजे के रोगी को इंद्रायन के ताजे फल के 5 ग्राम गुदे को गर्म पानी के साथ या इसके 2 से 5 ग्राम सूखे गुदे को अजवाइन के साथ देना चाहिए। इंद्रायन की जड़ को पानी के साथ पीसकर और छानकर 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से पेशाब करते समय का दर्द और जलन दूर हो जाती है। 10 से 20 ग्राम इंद्रायन की जड़, हल्दी, अरहर के छाल, बहेड़ा और आंवला को 160 मिलीलीटर पानी में उबालकर इसका चौथाई हिस्सा बाकी रह जाने पर काढ़ा बनाकर उसे शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से मूत्रकृच्छ मतलब पेशाब में दर्द और जलन को बोलते हैं, मूत्रकृच्छ का रोग समाप्त हो जाता है। मासिक धर्म के रुक जाने पर 3 ग्राम इंद्रवारुणी के बीज और 5 दाने काली मिर्च को एक साथ पीसकर 200 मिलीलीटर पानी में उबालकर काढ़ा बना लीजिए। इस काढ़े को छानकर रोगी को पिलाने से रुका हुआ मासिक धर्म दोबारा शुरू हो जाता है। इंद्रायन की जड़ को योनि में रखने से योनि का दर्द और पुष्पावरोध मासिक धर्म का रुकना उसे पुष्पावरोध बोलते हैं दूर हो जाता है। फिर इंद्रायन के फल के गुदे को गर्म करके पेट में बांधने से आंतों के सभी प्रकार के कीड़े मर जाते हैं। इंद्रायन के फल मज्जा को पानी में उबालकर और छानकर गाढ़ा करके छोटी छोटी चने के आकार की गोलियां बना लीजिए। इसकी 1 से 2 गोली ठंडे दूध में लेने से सुबह का जो दस्त है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। इंद्रायन के फल का गुदा तथा बीजों से खाली करके इसके छिलके की प्याली में बकरी का दूध भरकर पूरी रात भर के लिए रख दीजिए। सुबह होने पर इस दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाकर रोगी को कुछ दिन तक पिलाने से जलोदर मिट जाता है।
इंद्रायन की जड़ का काढ़ा और फल का गूदा खिलाना भी लाभदायक है, परंतु यह तेज औषधि है। इंद्रायन की जड़ का चूर्ण 1 से 3 ग्राम को सूंठ और गुड़ के साथ सुबह और शाम देने से लाभ होता है। ध्यान रहे कि अधिक मात्रा में सेवन करने से विषाक्त बन जाता है ये और हानि पहुंचाता है। इंद्रायन को लेने से लीवर की वृद्धि के कारण पेट का बड़ा हो जाना जो बीमारी है उसमें लाभ होता है। इंद्रायन की जड़ की छाल के चूर्ण से सांभर नमक मिलाकर खाने से जलोदर समाप्त हो जाता है। 100 ग्राम इंद्रायन की जड़ को 500 मिलीलीटर अरंड के तेल में डालकर पकाने के लिए रख दीजिए। पकने पर जब तेल थोड़ा बाकी रह जाए तो उसे 15 मिलीलीटर तेल को गाय के दूध के साथ सुबह शाम पीने से उदर से समाप्त हो जाता है। इंद्रायन की जड़ों के टुकड़े को 5 गुना पानी में उबाल लें। जब उबलने पर 3 हिस्से पानी बाकी रह जाए तो उसे छान कर उसमें बराबर मात्रा में बूरा मिलाकर शरबत बनाकर पीने से उपदंश और वात पीड़ा मिटती है। इंद्रायन की जड़ को पीसकर गाय के घी में मिलाकर भग मतलब योनि पर मलने से प्रसव आसानी से हो जाता है। इंद्रायन के फल के रस में रूई का फाया भिगोकर योनि में रखने से बच्चा आसानी से हो जाता है। इंद्रायन की जड़ को बारीक पीसकर देसी घी में मिलाकर स्त्री की योनि में रखने से बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है, मैंने आपको बता दिया है। और इंद्रायन की जड़ों को सिरके में पीसकर गर्म करके सोत युक्त जो सूजन वाली जो जगह है स्थान पर लगाने से सूजन मिट जाती है। शरीर में सूजन होने पर इंद्रायन की जड़ को सिरके में पीसकर लेप की तरह लगाने से शरीर पर लगाने से सूजन दूर हो जाती है। इंद्रायन को बारीक पीसकर इसका चूर्ण बना लीजिए। 200 मिलीलीटर पानी में 50 ग्राम धनिये को मिलाकर काढ़ा बना लीजिए। इसके बाद इंद्रायन के चूर्ण को इस काढ़े में मिलाकर शरीर पर लेप लगाइए, आपकी सूजन इससे भी खत्म होगी। फिर इंद्रायन की जड़ और पीपल के चूर्ण को बराबर मात्रा में लेकर गुड़ में मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा रोजावन सेवन करने से संदिग्ध वायु दूर होती है। फिर 500 मिलीलीटर इंद्रायन के गुदे के रस में 10 ग्राम हल्दी, काला नमक, बड़े हुलिन्ना की छाल ये सब डालकर बारीक पीस लें। जब पानी सूख जाए तो चौथाई ग्राम की गोलियां बना लें। एक एक गोली सुबह शाम दूध के साथ लेने से सूजन और दर्द थोड़े ही दिनों में अच्छा हो जाता है। इंद्रायन की जड़ों को बेलपत्र के साथ पीसकर 10 से 20 ग्राम की मात्रा में रोजाना सुबह शाम पिलाने से स्त्री गर्भ धारण करती है। इंद्रायन के फल का 6 ग्राम गुदा खाने से बिच्छू का विष जो होता है वो जहर उतर जाता है। 3 ग्राम बड़ी इंद्रायन की जड़ का चूर्ण पान के पत्ते में रखकर खाने से सर्प दंश में लाभ मिलता है। बच्चों के डिब्बा रोग मतलब पसली चलना में इसकी जड़ के 1 ग्राम चूर्ण में 250 मिलीग्राम सेंधा नमक मिलाकर गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ मिलता है। फिलहाल इंद्रायन के फल को पीसकर नारियल के तेल के साथ गर्म करके कान के अंदर जख्म पर लगाने से जख्म साफ होकर भर जाता है। इंद्रायन के फल के रस या जड़ की छाल को तिल के तेल में उबालकर तेल को मस्तिष्क पर लेप करने से मस्तिष्क पीड़ा या बार बार होने वाली मस्तिष्क पीड़ा मिटती है। फिर इंद्रायन के फलों का रस या जड़ की छाल को काढ़े के तेल को पकाकर छानकर 20 मिलीलीटर सुबह शाम उपयोग करने से आधी शीशी आधे सिर का जो दर्द होता है माइग्रेन, सिर दर्द, पिनस मतलब पुराना जुकाम, कान दर्द और अर्धावशूल दूर हो जाते हैं। तो मैंने इतनी सारी चीजें बताई आपको इंद्रायन के बारे में, और अगर आप इंद्रायन के बारे में जानते हैं और आपके यहाँ के लोग जानते हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि हमने जो आपको बताया है वो हमारे थ्रू आपके पास और आपके पास किसी और के पास पहुंच जाए तो शायद उसे भी फायदा हो। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर तो कहने की बात ही नहीं है कुछ। आप हमारे वीडियो पे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जितने वीडियोस हैं ऑटोमेटिक आपके मेल पे आ जाएंगे या जहां भी आप देखते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक आएंगे। और आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पे अगर आप कमेंट कर देंगे तो यथासंभव मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं।
जो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो अगर उस चीज की जानकारी मुझे है तो मैं यथासंभव देने का प्रयत्न करूंगा। तो प्लीज हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।